आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया सुदाम डिगी थाना क्षेत्र के नोनो डिगी के एनबीसीसी कॉलोनी के कुंदन कुमार धाड़ी पर गोली चलाने की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भीम आर्मी में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी ने एक न्याय यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत डिनोवली मोड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर किया गया। मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जो एनबीसीसी कॉलोनी स्थित अंबेडकर क्लब में सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता और संचालन सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम बच्चन ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुदाम डिगी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, जिसका परिणाम स्वरूप अपराधियों के द्वारा एनबीसीसी कॉलोनी में शराब पीने के मामले को लेकर यहीं के कुंदन कुमार धारी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी हालत आज नाजुक बनी हुई है। आज लगभग 15 दिन होने को आए हैं, लेकिन सुदाम डिगी पुलिस के द्वारा अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज न्याय यात्रा निकाली गई है। इस पर भी जिला प्रशासन नहीं चेता तो भीम आर्मी के द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। आज जो है धनबाद की धरती पर भीम आर्मी की जो कफिला जो आई है, पहले मैं आपका परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम हुआ नानू राम, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी। नानू राम जो 28/8/2020 को जो कुंदन कुमार धारी पर जो मनवादी समाज के लोग आरएसएस के लोग ने गोली जो चलाया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अगर पुलिस गिरफ्तार अविलंब नहीं करती है, बहुत जल्द गिरफ्तार नहीं करती है, तो भीम आर्मी बैठेगी नहीं। भीम आर्मी कमजोर नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग कमजोर नहीं। जो आरएसएस के लोग जो मनसूबा है भीम आर्मी तोड़ देगी। और मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करे। और मैं इसे मीडिया के माध्यम से मैं धनबाद एसपी को मैंने उनसे भी आग्रह करता हूँ और डीएसपी साहब से भी आग्रह करता हूँ कि अपराधी को पकड़ने में आपका असफल रहा, हम चाहेंगे कि अविलंब आपका अपराधी को गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं करती पुलिस, लापरवाही करती है, तो धनबाद की धरती पर भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी आपका धनबाद धरती पर उनका आगमन होगा। फिर अगर उनका आगमन हो जाएगा तो प्रशासन को लोग इसका जवाब दे, जिला प्रशासन होगी। और जब धनबाद की धरती पर बड़े भाई चंद्रशेखर जी का आगमन होगा तो फिर आपका डीजीपी को सरकार को आपके धनबाद की धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए हम उनसे आग्रह भी करने आए हैं कि अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करें। जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज पर जो आरएसएस के लोग जो हमला के जो कर रहा है, भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जिस दिन भीम आर्मी के लोग एससी एसटी ओबीसी समाज के मैंने मुस्लिम समाज के लोग जिस दिन जाग जाएंगे, धनबाद छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुंदन कुमार जो धारी जो अभी जो गोली चला है उन पर अपराधी को आपका एसपी गिरफ्तार करे, सरकार गिरफ्तार करा दे।